हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरी एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल सी पेट के एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे यूपी ट्रिपल सी पेट का कितना कट ऑफ जाएगा, कितने पे सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट कब तक आएगा और इसके बारे में भी जानेंगे, ऑफिशियल आंसर की के बारे में जानेंगे, ये भी जानेंगे आप कैसे ये चेक कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, मात्र एक सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, फिर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप जाइएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्लेलिस्ट में, वहाँ भी ये वीडियो मिल जाएगा। इसमें मैंने दोस्तों पूरा सॉल्व किया है पेपर को, ठीक है, मैंने बताया है कौन से क्वेश्चंस के कौन से आंसर सही हो सकते हैं। आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑथेंटिक आंसर है दोस्तों, सही आंसर है, जिनके आंसर लग रहा था मुझको सही है वही मैंने इसमें क्लिक किया है। जो आंसर मुझे भी कन्फ्यूजन था उसमें मैंने जो है कन्फ्यूजन में डाल दिया है, एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्लियर अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। आप जरूर देखिएगा आप अपना यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वोटिंग डाला है, वोटिंग किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने यह मतलब पूछा है कि स्टूडेंट्स के कितने नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 51 वोट हो रहा है। आप जाके वोटिंग कर सकते हैं, वोटिंग जरूर करिएगा, वोटिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, क्योंकि इससे क्लियर अंदाज़ा लगेगा कि आपके जो है कितने नंबर रहेंगे तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कमेंट टैब में जाना है, वहाँ से आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे 51 वोट हो चुका है, जिसमें से यह दिखाई दे रहा है कि 60 से 70 के बीच में अधिकतर स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं। यदि स्टूडेंट्स ने मिला रहा है क्वेश्चन तो यहाँ पर 31% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 60 से 70 के बीच में आ रहा है, और 70 से 80 के बीच में भी कैंडिडेट की संख्या अच्छी देखने को मिल रही है, 24%, ठीक है। जबकि यहाँ पे 80 से 90 या फिर यहाँ पे 90 से 100 के बीच में कैंडिडेट्स की संख्या कुछ कम दिखाई दे रही है, और 60 से कम भी स्टूडेंट्स की संख्या कम है, ठीक है। मतलब कंपटीशन वही है कि 60 से 80 के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। मतलब यह है कि अधिकतर स्टूडेंट 60 से 80 के बीच में वेरी करेंगे, तो निश्चित तौर से यदि आपके जो है 60-65 नंबर आ रहे हैं तो आप जो है 60-65 प्लस आ रहे हैं तो आप जो है अगले एग्ज़ाम के लिए सोच सकते हैं। जो भी भविष्य में लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है इसके आधार पे, या फिर जो है अन्य एग्ज़ाम कोई भी निकलेगा भविष्य में, तो हो सकता है कि आप जो है सेलेक्ट हो जाए उसके लिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी हाईएस्ट नंबर के कैंडिडेट रहेंगे उन्हीं को वह छाँटेगा, जितने भी कैंडिडेट उसको चाहिए होगा उस एग्ज़ामिनेशन में। तो यदि आप जो है उतना एलिजिबल होंगे तो आपको वह ले सकता है, ठीक है। तो यह चीज़ है। और दोस्तों यह चीज़ है, इसका इसमें देखिए यहाँ पे 82% स्टूडेंट्स जो है उपस्थित हुए हैं इस एग्जामिनेशन में, मतलब 18% स्टूडेंट्स लगभग अनुपस्थित हुए हैं। इसके रिजल्ट के बारे में दोस्तों यही जो है सूचना मिल रही है, या फिर यही गेस लगाया जा सकता है कि इसका रिजल्ट जो है सितंबर के लास्ट जो है वीक में आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की तो आज शाम तक आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो हो सकता है सितंबर के लास्ट वीक या फिर तीसरे वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है, जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, ज़्यादा उसमें देरी नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो 100 में 100 करके आ रहे थे उनका भी सिचुएशन यहाँ पे ख़राब दिखाई दे रहा है, जो 100 में 100 कर रहे थे उनका 70 भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट कई सारे हैं, ठीक है। तो आपने यदि सही सही क्वेश्चन 80 अटैम्प्ट किया था तो आपके लिए वह अमृत है, क्योंकि 80 में से एक दो क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा तो भी आप 75 प्लस में आ रहे होंगे, ठीक है, फाइट कर रहे होंगे। तो चिंता मत करिए, जो भी होगा अच्छा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।